हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पनीत जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जीएसटी में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी बेनिफिशियल रहेगी, वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, ध्यान से सुनेगा। जीएसटी में भी एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर अगर हम बात करेंगे यह सर्कुलर नंबर 183। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था। इसमें क्या लिखा हुआ था कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 17 एंड 18 ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें क्या किया गया था कि जो एसएससी है उनको ये रिलैक्सेशन दी गई थी कि वो जो आईटीसी है वो आईटीसी अपना क्लेम कर सकते हैं। जहां पर जीएसटीआर 1 में मिस्टेक्स हो गई थी, इसके अलग अलग दो तीन सिनेरियोज यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे। तो इस केस में क्या था कि केवल 17, 18 और 18 के लिए ये सर्कुलर लागू किया गया था। इसमें अलग अलग जो सिचुएशन दी गई थी, ये सिनेरियो टाइप बताई गई थी कि जहां पर सप्लायर जो है जीएसटीआर 1 नहीं भर पाए हैं, जीएसटीआर 3 भी उन्होंने भर दी है, इसकी वजह से फॉर्म जीएसटीआर 2A में डाटा जो रिसिपियंट है उसको नहीं मिला था, क्योंकि जो 2A है वो तो बाद में आई थी, 19 के बाद से इसको लागू किया गया था। 17, 18 और 18 के लिए, 17, 18 और 18, 19 के लिए इन्होंने ये सर्कुलर इशू किया ताकि जो टैक्स पेयर है उनको रिलैक्सेशन मिल सके कि चलो कोई नहीं, आपके पास अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है और ये वाले रीजन्स है, जेन्युइन रीजन्स है, तो उस केस में जो सामने वाली पार्टी है उस वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन जो कि इस वाले सर्कुलर में नीचे लिखी हुई है कि आपके पास इनवॉइस होना जरूरी है, पेमेंट हो जाना जरूरी है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज एक्चुअल में रिसीव होना जरूरी है, वो काफी सारी कंडीशन थी। डिटेल्ड में मैंने सर्कुलर डिस्कस किया था, चैनल पर आप जाकर एक बार देख सकते हैं। आज की वीडियो में क्या है, स्पेशल क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। एक विप्रो लिमिटेड का एक केस है, वो डिसाइड किया गया है, उसमें 6 जनवरी 2023 को डिसीजन आया है। ये डिसीजन क्या है, एसएससी के फेवर में आया है। ये विप्रो लिमिटेड का केस था और ये रिट पिटीशन के थ्रू यहां पर जो है कंफर्म किया गया है, रिट पिटीशन इसकी फाइल की गई थी, फिर जो ऑर्डर है वो एसएससी के फेवर में आया है। मैं आपको डायरेक्ट जो मेन इस ऑर्डर का जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। विप्रो लिमिटेड के केस में यहां पर ये फाइल जो हुआ था उसमें क्या दिक्कत थी कि जो जीएसटीआर 1 है उस सारे सिनेरियो में, यहां पर एक सिनेरियो अप्लाई हुआ है, जीएसटीआर 1 फाइल करने में मिस्टेक हो गई थी। सपोज कीजिए पर्सन ए को जो है जीएसटीआर 1 में उसका जीएसटी नंबर डालकर एंटर करना था, बट वो ए की बजाय बी में एंटर हो गया। अब क्या हुआ, जीएसटीआर 1 तो लॉक्ड हो गई, जीएसटीआर 1 एक बार फाइल हो जाती है तो वो लॉक हो जाती है और उसका एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, पहले 30 सितंबर हुआ करता था, वहां तक आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। अब 17-18 भी चला गया, 18-19, तो ये जो प्रॉब्लम आई थी इनको ये थी 19-20 के लिए। तो इसमें इन्होंने कहा कि सर जो ये केस है जीएसटीआर 1 वाला, तो 17, 18 और 18, 19 के लिए तो चलो सर्कुलर के थ्रू कवर हो गया, बट जो 19-20 का है उसका क्या होगा। तो यहां पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन जो है वो एसएससी के फेवर में दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर सारे जेन्युइन रीजंस अप्लाइड होते हैं तो ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 183 यहां पर इन्होंने क्लियरली लिखा है, तो उसको क्यों ना 17, 18, 18, 19 के साथ साथ 19-20 पर भी लागू किया जाए। तो यहां पर इन्होंने क्लियरली लिखा है एसएससी के फेवर में, ये डिसीजन आया है, यहां पर लिखा हुआ है, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आई एम ऑफ द कंसिडर ओपिनियन दैट इट वुड बी जस्ट एंड प्रॉपर टू डिस्पोज ऑफ दिस पिटीशन डायरेक्टली टू रेस्पोंडेंट 1 to 3 रेवेन्यू टू फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन द सर्कुलर एंड अप्लाइड द सैड सर्कुलर टू द फैक्ट ऑफ इंस्टेंट केस। मतलब एक केस टू केस भी थोड़ा यहाँ पर डिपेंड करता है। तो इस केस में जो प्रॉब्लम थी उस सर्कुलर में तो काफी सारे रीजन इन्होंने कवर किए थे, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख दिया कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये 17, 18, 18, 19, 19-20 पर भी एज इट इज इसको लागू किया जाए। तो जैसे अभी एक यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आया, इसी तरह से अलग अलग सालों के लिए भी जो इससे फर्दर ईयर्स हैं, 2021 है, 21-22 है, उनका भी टाइम पीरियड जा चुका है, तो हो सकता है कि ये जो सर्कुलर है ये सभी पर लागू कर दिया जाए। बट ये जो अभी यहां पर ऑर्डर आया है इसका फेवर लेते हुए यहां पर 19-20 के लिए तो इस पर्टिकुलर स्टेट में ये अप्लाइड होगा ही होगा, क्योंकि और भी काफी सारे एसएससी हैं जिसको ये हारसी पा रही है यहां पर कि 17, 18, 18, 19 में स्टार्टिंग में 2A वाली फैसिलिटी नहीं थी, 19-20 से आई थी, फिर उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा, फिर उसके बाद
जो एसएससी है उन्होंने उसको वेरीफाई करना स्टार्ट किया। वेरिफिकेशन के बाद जो मिस्टेक्स थी उसमें इतना टाइम पीरियड नहीं था, फिर 30 सितंबर के भी टाइम चला गया। फिर उसके बाद जैसे 20, 21, 21, 22 आया, तब जाके उसमें थोड़ा सा रेगुलेशन आया, पर अभी भी उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं। उसी को देखते हुए इन्होंने जो डेट है उसको 30 नवंबर किया है कि चलो जो टैक्स ऑडिट्स होती हैं, इनकम टैक्स पे भी काफी सारे ड्यू डेट्स आ जाते हैं, तो इसलिए 30 नवंबर उन्होंने डेट को कर दिया कि अब 30 नवंबर तक आप अपनी पिछले साल की जो भी मिस्टेक्स है, GST R1/3B या फिर रिटर्न्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाली सारी मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं, उनको अमेंड कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। इन सभी के लिए स्पेसिफाइड वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सीए पुनीत जैन के नाम से चैनल मिल जाएगा, या गूगल पे भी सर्च करेंगे, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर स्पेसिफाइड वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो जीएसटी से रिलेवेंट वीडियो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी सारी। रजिस्ट्रेशन पार्ट की भी कुछ वीडियोज मैंने यहाँ पर अपलोड की है, बाकी जीएसटी और इनकम टैक्स के तो अपडेट्स यहाँ पर अपलोड मैं करता रहता हूँ, तो आप एक बार वीडियो देखेंगे 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 17, 18, 18, 19 के साथ साथ 19, 20 के लिए भी काफी रिलैक्सेशन आया है, जो अपना टाइमली ITC क्लेम नहीं कर पाए थे उनके लिए भी काफी रिलैक्सेशन है, बट उसका जो प्रोसीजर है उसके लिए आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। GST R1 में इन्होंने कह दिया है कि उस वाले केस में जो विप्रो वाला केस है उसमें कहा है कि आप जो है GST R1 को अमेंड करने की फैसिलिटी दीजिए, ताकि वो टाइमली उसमें करेक्शन करके और उसको अपलोड कर सके। तो ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर SSC के फेवर में केस आ गया है। जब तक इसका कोई फर्दर सर्कुलर नहीं आ जाता तब तक आप ये मान के चलेगा 17, 18, 18, 19 के लिए एप्लीकेबल है, बट 19, 20 के लिए भी स्पेसिफाइड स्टेट में ही एप्लीकेबल रहेगा रहेगा जहां पर कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। इस तरह के काफी सारे वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।